जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फोरी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ SSC कांस्टेबल GD एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। दोस्तों आप सभी को जैसे पता होगा कि SSC कांस्टेबल GD का एप्लीकेशन स्टेटस चेक होना स्टार्ट हो गया, अभी एक रीजन का आया हुआ है सेंट्रल रीजन का। तो फ्रेंड्स आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लीजिए अगर आप सेंट्रल रीजन से हैं तो। कैसे चेक करना होगा इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, वीडियो देखकर आप चेक कर पाएंगे आसानी से अपने घर बैठे अपने फ़ोन से ही। मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ SSC कांस्टेबल GD एप्लीकेशन स्टेटस, एग्जाम डेट, एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया सर एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी शो नहीं कर रहा है, और बहुत लोग कमेंट किया सर इसका एडमिट कार्ड कब से आएगा। तो इसकी पूरी जानकारी इसको आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर। रीजन वाइज अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउजर के गूगल सर्च बार पर आना होगा, और यहाँ पर आकर आपको सर्च कर लेना होगा जॉब्स फॉर यू। जैसे लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा alljobsforyou.com। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगा। और जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पर व्हाट्स में देखने को मिल जाएगा SSC कांस्टेबल GD एप्लीकेशन स्टेटस 2021। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे, शॉर्ट नोटिस वाले पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आप देख पाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपका रीजन नेम, स्टेट नेम और एप्लीकेशन स्टेटस एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए अभी एक रीजन का एप्लीकेशन स्टेटस चेक हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्रल रीजन का, उत्तर प्रदेश बिहार इसमें आता है। अपना स्टेट यहाँ पे देख पाएंगे, अपना रीजन आप यहाँ से देख पाएंगे। तो अभी इसका अवेलेबल हो गया। अगर आप सेंट्रल रीजन से आते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ से आपको आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, अपना सिटी, जो सिटी आपने फर्स्ट सिटी सेलेक्ट किया था फॉर्म अप्लाई करते हो वो सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको काउंट करके यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो कर देगा। या फ्रेंड्स अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप अपना नाम लिखिए, फादर्स नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद नीचे आपको अपना एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना होगा, जो एग्ज़ाम सिटी आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त दिया था। उसके बाद ये काउंट करके आपको यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना होगा। सर्च पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन स्टेटस ओपन होकर आ जाएगा, और आसानी से आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने सर्च किया है और मेरा एप्लीकेशन स्टेटस ओपन होकर आ गया है, और मैं कुछ हाइड कर लूँगा। यहाँ पर मेरा जो एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्टेड दिखा रहा है, जो मेरा स्टेटस एक्सेप्ट हो गया, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, मेरा एडमिट कार्ड आएगा और मैं एग्ज़ाम भी दूंगा। ऐसे आकर के आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना होगा। अभी सेंट्रल रीजन का आ रहा है, बाकी रीजन का जैसे आता है किसी भी रीजन का तो मैं अपडेट कर दूंगा। यहाँ से आकर चेक कर लीजिएगा, और एक एक रीजन का मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। आप किसी भी रीजन से हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए तो मैं सबसे पहले इसी चैनल पर अपडेट कर दूं। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे रीजन आपको देखने को मिला होगा। जिस भी रीजन का आता है यहाँ पे अवेलेबल सुने अवेलेबल ना हो देखने को मिल जाएगा जिस भी रीजन का आएगा, और मैं एक एक रीजन का वीडियो बनाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जिस भी रीजन का आए मैं वीडियो बनाऊँगा आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मैं सभी रीजन का बताऊँगा और मैं अपडेट रहता हूँ हरदम यहाँ पर। जैसे किसी भी रीजन का आता है मैं सबसे पहले अपडेट कर दूँगा। अब मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स कि एग्जाम डेट, एग्जाम सिटी के बारे में। यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैं जब यहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर रहा हूँ तो केवल मेरा नाम और फादर्स नेम, एड्रेस बता रहा है, और उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट है और रिजेक्ट नहीं है, या रिजेक्ट या एक्सेप्ट बता रहा है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं सर एग्जाम डेट, एग्जाम सिटी कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स आप इंतज़ार कीजिए, और बहुत जल्दी एग्जाम डेट, एग्जाम सिटी का भी लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। जैसे SSC कांस्टेबल GD का एग्जाम डेट, एग्जाम सिटी का लिंक एक्टिव किया जाएगा, मैं सबसे पहले इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बता दूंगा, और आसानी से आप अपना एग्जाम डेट, एग्जाम सिटी चेक कर पाएंगे। अभी केवल आपका एप्लीकेशन स्टेटस ही चेक हो रहा है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। तो यहाँ से आकर चेक लिए, बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी हो रहा है। मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आया था कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो आप ज़रूर एक बार चेक करिएगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो इसमें अब आपका कुछ नहीं हो पाएगा। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया वो क्या करें, उनका फिर से मॉडिफाई होगा या नहीं होगा, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। तो
तो यार आपका एग्जाम सिटी एग्जाम डेट जो अभी नहीं बताया जा रहा है, इसका लिंक एक्टिव नहीं किया गया है। जैसे एग्जाम डेट एग्जाम सिटी का लिंक एक्टिव किया जाएगा मैं बता दूंगा, और एग्जाम डेट एग्जाम सिटी का लिंक एक्टिव किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब है और एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर पाएंगे। तो एग्जाम से 4 दिन पहले, अगर सेंट्रल रीजन के होंगे तो एग्जाम से 4 दिन पहले ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपका एग्जाम 20 नवंबर को है तो 4 दिन पहले आप 16 नवंबर को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, उससे पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम से 4 दिन पहले आप अपने अपने अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और एग्जाम डेट एग्जाम सिटी बहुत जल्दी आने वाला है, इस मंथ के लास्ट वीक तक आप अपना एग्जाम डेट एग्जाम सिटी चेक कर पाएंगे। इंतजार कीजिए, जैसे कोई अपडेट आता है तो मैं यहाँ पर पब्लिश कर दूंगा। तो यही बताना था आपको इस वीडियो में, ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आप सभी का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।